हेलो बेटा, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग जो बेसिक्स लेके चलेंगे, एक हमारे पास रहेगा वीएम। वीएम रहेगा बेटा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द शोर और द ग्राउंड। ओके, और वी आर जो रहेगा बेटा उसका नाम रहेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिवर। नो डाउट अगेन, जब एब्सोल्यूट वर्ड यूज करते ही हैं तो उसका मतलब भी विद रिस्पेक्ट टू शोर या ग्राउंड होता है। यहां पे मैंने मेंशन कर ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, पर ये VMR आएगा। अब VMR क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आती है जो जिसके साथ हम लोग इस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए ना बेटा हम लोग अलग अलग केसेस लेके चलते हैं। एक आइडियल केस लेके चलते हैं, केस वन, एक आइडियल केस लेके चलते हैं। हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि रिवर जो है इज नॉट फ्लोइंग, रिवर फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब ये हमारे पास एक रिवर है और ये बेटा जो रिवर है ये फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब ये रिवर है और ये रिवर फ्लो नहीं कर रहा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रिवर का वेलोसिटी जो है वो जीरो है, रिवर का वेलोसिटी जीरो है। तो इस केस में अगर ये मैन जो है इधर स्विमिंग करके यहां से यहां तक पहुंचेगा बेटा टी जीरो से, टाइम लेट इट बी टी वन लगा, तो बेटा ये डी आ गया और ये तुम्हारे पास कौन आया, ये कौन आया बेटे, विड्थ ऑफ द रिवर। ये कौन आया, विड्थ ऑफ द रिवर। जब तुम्हें बोला जाएगा व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर, तुम बोलने वाले हो डिस्टेंस डी है और इसी का नाम तुम यहाँ पे वीएम लिख दो या तुम वी एम आर लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। इस वजह से तुम इसका नाम वीएम लिख दो या डी बाय वी एम आर लिख दो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी जीरो है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और भी पॉइंट शेयर करता हूँ। ये मैं ना ब्लू पोर्शन जो है ना, ब्लू ये याद रखना, ये ब्लू हमारा ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे या शोर पे। तो ये बेटा ग्राउंड के हिसाब से ये इधर कोई जा रहा है तो मैन जो स्विमिंग कर रहा है और जो ग्राउंड के एंड से देखा जा रहा है जिसको, वो दोनों के हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, मैन भी और यहां पे हम मान चुके हैं रिवर इज नॉट फ्लोइंग। अब हम लोग ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं जिसमें तुम ये बोलोगे कि रिवर इज फ्लोइंग, जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। तो इसमें कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, बिकॉज ये नेक्स्ट कंडीशन है बेटा, नया कंडीशन, पहले वाला खत्म हो गया, सेकेंड कंडीशन, रिवर फ्लो कर रही है बट मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। ये दिया गया है बेटे, ये पॉइंट तुम्हें दिया गया है कि मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। और बेटा मैंने ये भी चीज बताई थी, इसको तुम ये भी बोल देते हो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है।
और तुम इसमें क्या बोलते हो वर्डिंग में, तुम ये बोलते हो ये बेसिकली VMR है। अब ध्यान से सुनना ये चीज, देखो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया ये वाला बेटा, और ये रिवर हमने ड्रॉ कर दी, और अब हम बोल रहे हैं ये जो रिवर है ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये जो रिवर है बेटा ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या बोल पाएंगे, ये जो रिवर फ्लो कर रहा है बेसिकली रिवर फ्लो कर रहा है इधर को VR स्पीड के साथ, ठीक है। मैं चलो इसको रेड पेन के साथ ड्रॉ कर देता हूँ VR के साथ। अब रिवर तो इधर को फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैन जो है वो अपने आप को परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर रख रहा है हमेशा। तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये रिवर ना फ्लो करती तो ये सीधा पहुंचता जैसे पहला केस था, पर अब रिवर के फ्लो की वजह से रिवर के फ्लो की वजह से ड्रिफ्ट हो गया, रिवर के फ्लो की वजह से ड्रिफ्ट हो गया। अब अच्छी बात इसमें बच्चे ये है कि जब ये रिवर के फ्लो की वजह से ड्रिफ्ट हो गया तो ये यहां से तो जर्नी शुरू कर गया, पर अब ये यहां पहुंचेगा बेटा, ये कहीं किसी भी इंस्टेंट पे ये जा इधर को ही रहा है, रिवर इधर इसको इधर को ही लेके जा रही है, ठीक है। और डी तुम्हारे पास विड्थ है और ये तुम्हारे पास एक्स है। अब मैं बोलूं, मैं एक सिंपल सा लॉजिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, डी जो विड्थ है इसको क्रॉस करना है तो क्या चाहिए रहेगा, ये बेटा VMR लिखना था और इसको VM लिखना था, तो क्या चाहिए बेटा VMR चाहिए टू क्रॉस द रिवर, इस केस में देख सकते हो क्या। और जो ड्रिफ्ट हो रही है, नो डाउट डी जो है वो विड्थ था हमारे पास बेटा, और जो एक्स है वो कौन है, वो है ड्रिफ्ट। और ये बेटा जो ड्रिफ्ट हो रही है ये किसके कारण हो रही है, ये ड्रिफ्ट हो रही है रिवर के कारण। ये तो कितनी देर ड्रिफ्ट होगी, जितनी देर वो स्विमिंग करेगी, कितनी देर ड्रिफ्ट होगी, कितनी देर ड्रिफ्ट होगी, जितनी देर स्विमिंग करेगा, जितनी देर स्विमिंग करेगा, यहां पे ये तुम समझ पा रहे हो, लेट इट बी दिस एंगल इज थीटा। तो टाइम जो लगेगा इसमें टू क्रॉस द रिवर तो वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी बोला ना यहां पर, अभी बेटे यहां पे तुम्हें ये चीज बताया ना मैं, ये वाला डी लगेगा टू क्रॉस द रिवर VMR, एक्स है ड्रिफ्ट, किसकी वजह से, रिवर की वजह से, और कितनी देर ड्रिफ्ट करेगा, जितनी देर स्विमिंग करेगा, डी बाई VMR आ गया। और इसका ड्रिफ्ट आ गया एक्स बाय VR। अब ये छोटा सा पॉइंट सुनो, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये एंगल थीटा है, ये डी है और ये एक्स है, इसका नाम तुम एल लिख दो, और ये भी रेड एंगल ट्रायंगल है, इसको तुम ऑलरेडी VMR लिख चुके हो, इसको तुम ऑलरेडी VR लिख चुके हो, बेसिकली ये VR है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, और ये VM है। यहां पे तुम ये देख पा रहे हो
कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये एल है। अब ये एल और कितनी स्पीड के साथ, वी एम के साथ। मैं तुम्हें एल बताया था, एल स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल है। और वी एम कितना, स्क्वायर रूट ऑफ वी एम आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया इसके लिए। यहां पे ड्रिफ्ट होने का कारण क्या था, रिवर की वेलोसिटी। और अच्छी बात मैं अगर बोलूं, टू क्रॉस, मैं फिर से लिख रहा हूं, बी एम आर है इफेक्टिव, ऐसे लिख देते चलो, इफेक्टिव वेलोसिटी टू क्रॉस रिवर क्या है, बी एम आर। और बेटा इफेक्टिव वेलोसिटी टू फॉर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के लिए कितना, वो तुम लिखोगे रिवर की वेलोसिटी। इस केस में यहां पे ये भी लिख रहे हैं कि रिवर वेलोसिटी इज नॉट अफेक्टिंग बीएमआर, क्यों, क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है। अच्छा एक चीज और, हमारा एक पर्सन रह गया, वो बेचारा रो रहा है, यार आप मेरी बात ही नहीं करते, ये जो ब्लू पर्सन ड्रॉ किया था ना, ब्लू पर्सन बाहर को, ये तो ये कह रहा है ये यहां से जर्नी शुरू करेगा, यहां पहुंचेगा, यही जो बेटा जो तुमने एल निकाला, यही जो बेटा यहां से जो तुम एम निकालते, बताया था ना अभी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड और द शोर ये आ गया, जब ये एंगल आ गया बच्चे ठीक है, ये आ गया तो ग्राउंड के हिसाब से ये जर्नी ऐसे करके कर रहा है, पर ये अपने आप को जब देख रहा है तो अपने हिसाब से सीधा ही जा रहा है, ठीक है। नहीं, ये हमारा सेकंड केस था, ये हमारा सेकंड केस था। मैंने आप लोगों को बच्चों पहले भी एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है, हम क्लास में ये चीजें लिखते हैं, कौन सी वाली कितनी देर ड्रिफ्ट होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। बाद में प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को एक रेफरेंस बुक बता रखी है, उसमें से जब क्वेश्चंस ट्राई करोगे तब तुम्हें अप्लाई कैसे करना है वो पता लगेगा। इसको सिंपल याद कर लोगे तो याद करने का फायदा नहीं है, अप्लाई करने के लिए तुम्हें रेफरेंस बुक को सॉल्व करना पड़ेगा और लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा पर रेफरेंस बुक को जो मैंने बताया। अच्छा फिर आ गया केस थ्री, मैं केस थ्री में तीन केसेस लेके चलूंगा बेटा। पहला केस मेरे पास होगा, पहला केस जो मैं कंसिडर करूंगा वो ये, पहला केस जो मैं कंसिडर करूंगा वो ये कि देयर इज नो ड्रिफ्ट, तो बॉडी जो है या जो स्विमिंग है या मैन है वो अलोंग शॉर्टेस्ट पास जाएगा, मैन आएगा जो कि अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पास जाएगा, ठीक है, मैन है जो वो अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पास जाएगा। उसमें मैं क्या बोल पा रहा हूं, ये आ गया, ये रिवर आ गया बेटा, और हम लोग इसमें क्या डिस्कस कर पा रहे हैं ये समझने वाली बात है। रिवर तो हम लोग इधर मान के चल रहे हैं कि रिवर फ्लो इधर ही कर रहा है, और अलग अलग केसेस कर रहे हैं स्विमिंग करने की, अलग अलग स्विमिंग करने की केसेस कर रहे हैं। रिवर को थोड़ी बदल सकते हो ना, अपनी मोशन को तो बदल सकते हैं। देखो ये ऐसे करके स्विम कर रहा है एट एन एंगल थीटा, तो ये बेटा ये वीएमआर है, ओके। इसके दो कंपोनेंट्स आ गए,
एक इधर आ गया बीएमआर साइन थीटा और एक इधर आ गया बीएमआर कॉस थीटा। लॉजिक बहुत सिंपल, हमने पहले ही बोल दिया नो ड्रिफ्ट। जब तुम नो ड्रिफ्ट बोल रहे हो बेटा यहीं से पता लग रहा है कि रिवर की तरफ कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर और वीएमआर साइन थीटा जीरो है। ये चीज बड़ी जरूरी है क्योंकि वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है नो ड्रिफ्ट। अब तुम बोलोगे सर टाइम टू क्रॉस रिवर क्या है, बहुत सिंपल है यार, क्या दिक्कत है। देखो ये वाला टाइम लगेगा, तुम बोलोगे सर इसने डिस्टेंस डी कवर किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर इस तरफ जो कंपोनेंट मेरे को दिख रहा है वो बीएमआर कॉस थीटा लग रहा है, मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है यार ऐसी है, ये चीज ऐसी है, बहुत छा गया है उसे। क्योंकि जिधर को जाना होता है, जिधर को जाना होता है वही डिस्टेंस वेलोसिटी लेंगे ना हम लोग, वही स्पीड लेंगे ना हम लोग, यहाँ पे वीएम कॉस थीटा बिल्कुल ठीक है, इसका नाम तुम टी डैश कह दो। अब जो तुमने केस टू किया था जिसमें वीएम परपेंडिकुलर टू वीआर था, वहां पे टाइम का वैल्यू तुमने डीएम बाय वीआर लिखा था। अब ये जो तुम केस थ्री ए कर रहे हो इसमें टी डैश टाइम निकाल रहे हो, तो वो ये डीएम बाय वीएमआर कॉस थीटा है। मैं ये बोल पा रहा हूँ विड्थ वीएमआर सेम रखा, पर पहले वो परपेंडिकुलर था, अब किसी एंगल पे आ गया। यहां से तुम देख पा रहे हो ये जो टी डैश है ये ग्रेटर देन वीआर है, ठीक है। पर ये बात पक्की है ये स्विमिंग करते करते बिल्कुल इधर पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा बिल्कुल, यहां से शुरू किया स्टार्ट फिनिश। अब एक छोटा सा पॉइंट, हमारा एक और मैंने बताया था, हमारा एक बहुत प्रिय मित्र है जो बाहर बह के फिर से बैठ के रो रहा है, कहते यार अब मेरी बात ही नहीं करते, हमेशा लास्ट पे बात करते हो। मैंने कहा भाई लास्ट में है तो तेरे को लास्ट में बताएंगे ना, है कि नहीं, इस वजह से हम लास्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। कभी कभी किसी बंदे का गुस्सा नहीं करना होता, लॉजिक ही है। तो मैंने देखो इस क्वेश्चन में दो बार रो दिया, वो मेरा नाम आप लास्ट में ले रहे हो, पर ये बात भी पक्की है नाम लेना बड़ा जरूरी है, नहीं तो नाराज हो जाएगा भाई, ये ऑब्जर्वर आ गया बड़ा। ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो तुम्हारे पास तुम्हारा मैन है स्विम कर रहा है वो इधर को जा रहा होगा, ये वीएम, क्योंकि इसके हिसाब से वीएम ही आएगा और रिवर के हिसाब से वीएमआर आएगा। वीएमआर जो है वो रिवर से है और वीएम जो है वो ये ऑब्जर्वर से है जो ग्राउंड पे। और अच्छी बात ये है बच्चों कि यही वीएम की वैल्यू तुम्हारे पास वीएमआर कॉस थीटा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, इस क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास वीआर वेक्टर है या ऐसे लिख लो चाहे वीएमआर इज इक्वल टू वीएम माइनस वीआर, तो यहां से वीएम जो है वो वीएमआर प्लस वीआर है। और इन क्वेश्चंस में ये यूजली हम लेते हैं, यूजली गिवन होता है, वर्डिंग होती है मैन मूव्स विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, वर्डिंग होती है बेटा, वर्डिंग पे ध्यान देना, मैन मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर, ये वर्डिंग होती है, तो ये चीज आ जाती है। इसमें वो डायरेक्ट ऐसे स्विम कर रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, पर रिवर के हिसाब से ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे इधर पहुंच रहा है, ठीक है रिवर के हिसाब से। अब देखो केस थ्री बी करते हैं। अब देखो मैं अब ये दो बार रो दिया बंदा कि राधा कि यार अब मेरा नाम ही लेते हैं, अब इसका नाम पहले ले लेते हैं। बेटा वैल्यूज जरूर ध्यान देना, वैल्यूज पे ध्यान देना बुरी बात नहीं है, पर समझदारी वाली बात क्या है, डायग्राम क्या ड्रॉ की गई, डायग्राम में वैल्यूज क्या लिखी गई, पैरामीटर्स क्या लिखे गए, वो सबसे समझदारी वाली बात। मैंने आपको बताया था क्लास में भी, हमें समझदारी बरतनी है ना कि सीधी वैल्यूज को करनी। टीबी में तुम्हें ये बोल दिया गया, अब हम लोग इसका इसका इसको इसकी नाराजगी दूर कर देते हैं, हम अब इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं।
ये अब ये खुश हो गया, स्माइलिंग फेस, मेरा नाम ले रहे हैं भाई सबसे पहले। अच्छा अब इसमें कंडीशन ये लगा देते हैं बेटा कि अगर VMR साइन थीटा जो इस तरफ था वो ज्यादा हो जाए VR से, क्योंकि जब इक्वल था ना बच्चे तो वो वहीं पे पहुंच रहा था, यहां पे देख रहे हो ना, जब इक्वल था नो ड्रिफ्ट जब था ये इक्वल था तो इधर ही पहुंच रहा था, पर अब इस केस में ये जब यहां से ये बड़ा है ये अब यहां से ऐसे जाएगा और इधर पहुंचेगा, मतलब ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना बच्चे जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से ये यहां पहुंचेगा इसके हिसाब से। बच्चों अगर रिवर ना फ्लो कर रही है तो सीधा पहुंच जाता है, रिवर फ्लो कर रही है तो इधर पहुंचेगा थोड़ा सा लेफ्ट साइड क्योंकि ये बड़ा है। इसमें जैसे तुम्हारे पास में अगर ये बोलू व्हाट इज द इफेक्टिव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तुम सिंपल आंसर दोगे VMR साइन थीटा माइनस VR, एंड दैट इज द रीजन ये डेस्टिनेशन पॉइंट से लेफ्ट पॉइंट पे पहुंचे। और केस 3C की बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर VMR साइन थीटा VR से कम है व्हाट विल हैपन देन, क्योंकि हम लोगों ने ये रिवर की बात कर रखी है ये रिवर की बात कर रखी है हम लोगों ने और तो हमने यहां पे ये लिख लिया VMR साइन थीटा करके, तो ये जो पर्सन हमारा ऑब्जर्वर था ये फिर से खुश हो गया, ये मेरी बात कर रहे हैं ये लोग, और अब इसमें ये मान के चल रहे हो कि ये इधर को ये जाएगा, ये ऐसे जाएगा पर ये स्विम करके इधर आ जाएगा क्योंकि रिवर का वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बेटा जो ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे है ना इसके हिसाब से ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपकी रेफरेंस बुक में है, उसमें से रेफरेंस बुक को जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। ये एंगल थीटा, अब ये नहीं कि सर उसमें थीटा था ऐसा थीटा, वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर केस अलग है, हर कंडीशन अलग है। नो डाउट फोर्स का नोटेशन एफ होता है, तो ये नहीं है कि एक इक्वेशन में यूज कर लिया है उसके बाद किसी भी इक्वेशन में किसी भी कंडीशन में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास थे 3 केसेस, सब 3 केसेस जिसमें हम लोगों ने अगेंस्ट। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे नोट कर लेना एक वर्डिंग नोट कर लेना कि अगर कोई बॉडी जैसे ये रिवर है हमारे पास बेटा, ये रिवर है तो ये रिवर इधर को फ्लो कर रही है, ये रिवर जो है बेटा तो इधर को रिवर फ्लो कर रही है। अगर तुम इधर जाते हो तुम बोलते हो वीएम स्पीड है, लॉजिक समझना, पुराना केस खत्म हो चुका है, अब थोड़ा कुछ और भी है, तो तुम जो है रिवर के साथ ही जा रहे हो इधर को, तो दैट इज कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीम। और अगर तुम रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो डाउनस्ट्रीम और अगर अगेंस्ट जा रहे हो तो ये अपस्ट्रीम,
ये डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम। और जब तुम इसके डिस्टेंसेस की बात करते हो तो डिस्टेंसेस तो चलो अलग आएंगे, पर डाउनस्ट्रीम स्पीड जो आती है वो दोनों ऐड हो जाती है स्पीड्स, क्लियर हो गया। और जो अपस्ट्रीम स्पीड आती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वो माइनस है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करके देखते हैं इसी के बेस पे ऊपर। ये हेरोडोट का क्वेश्चन है, मान लो ये कोई पॉइंट ए है और एक तुम्हारे पास राफ्ट है। राफ्ट तुम्हें पता ही है ना क्या होती है, वो रिवर वेलोसिटी के साथ ही मूव करती है ना, राफ्टिंग होती है ना, राफ्टिंग जो पानी में होती है राफ्टिंग, वो ये राफ्ट जा रही है। तो यू कॉल वी आर एज द वेलोसिटी ऑफ राफ्ट। और ये हमारे पास इधर ऐसे हमारे पास बेटे ऐसे ये आ गया रिवर राफ्ट इधर जा रहा है, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बोट है जो पीछे से आ रही थी, जैसे ही वो ए पॉइंट पे पहुंची बोट, तो वो बोट ने इसको ओवरटेक कर दिया, क्रॉस कर दिया ए पॉइंट पे, और ये बोट आगे गया 60 मिनट तक। बीबी इज द वेलोसिटी गैलो स्पीड गैलो के बाद में अब बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर 60, और 60 मिनट के बाद ये टर्न किया और टर्न करके ये पॉइंट सी था यहां पे मीट किया। मतलब ये बोट आगे गया ना बेटा, बोट है ना आगे गया और राफ्ट है वो तो आराम से जा रहा है, पर ये कब हुआ ये सारी चीज, 60 मिनट या 1 आवर, एक घंटा, कैसे मर्जी कैसे। लेट इट बी, इसने यहां से टर्न किया बी पॉइंट से। अब मेरा पॉइंट सुनना बहुत जरूरी है, मैं ये बेटा बोट के लिए टाइम जीरो यहां से शुरू किया और ये टाइम आ गया मीटिंग का, मतलब यहां से यहां गया और यहां से यहां गया मीटिंग का। पर उतनी देर में ये राफ्ट यहां से जर्नी शुरू करके यहां पहुंच गया, उतनी देर में, जितनी देर में बोट यहां से घूम के वापस आया उतनी देर में ये इधर से पहुंच गया। अब ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है ये 6 किलोमीटर था, क्वेश्चन में हेरोडोट का क्वेश्चन है, ये 6 किलोमीटर तुम्हें दे रखा है। अब फाइनली सुनो फिनिश कैसे करना है इसको, तुम लिखोगे डिस्टेंस देख के बता पा रहे हो, ए सी का वैल्यू जब सी बी में ऐड किया जाएगा तो वो ए बी आएगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। पर अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी ये देखने वाली बात, देखो ए बी कितना आएगा, ए बी क्योंकि बोट भी इधर जा रहा है रिवर भी इधर जा रही है, 60 मिनट तक ये चल रहा है सारा कुछ ये जहां तक पहुंचने के लिए, 1 आवर लिख देते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, टाइम कितना 1 आवर। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले बोट बेटा ऐसे गया है, ये जो इधर कोई बोट जा रहा है इधर कोई रिवर है तो है ना अभी ऊपर डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो वो, और फिर तुमने बात किया एसी का, अब जो एसी है डायग्राम में देखो बल्कि रेड हमने ड्रॉ किया हुआ है, रेड जो है 6 किलोमीटर है, कॉपी पे देखो एसी तो 6 किलोमीटर है,
अब सीबी किसके बराबर है ये वाला, तुम बोलोगे सर यहां से लेके, सर यहां से लेके यहां तक का टाइम टी है, तो अगर यहां से लेके यहां तक का टाइम वन आवर है तो ये टाइम कितना रह गया, टी माइनस वन आवर है ना, टोटल टाइम टी है। जैसे जर्नी होती है बेटा, जर्नी होती है, जैसे मान लो ये जीरो है, ये 3 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, यहां से यहां तक जाने का टाइम 3 सेकंड है, तो यहां से यहां जाने का टाइम क्या होगा, 7 सेकंड ही होगा, क्योंकि शुरू से तो 10 सेकंड ही, शुरू से तो टी है, पर जब तुम यहां से इससे पीछे की बात करोगे तो टोटल टाइम टी है, टोटल टाइम जो है टी है, उसमें से 1 आवर माइनस करोगे तो कितना टाइम रहेगा, ये वाला 7 सेकंड, ये वाला टी माइनस वन 1 आवर। तो पर ये सीबी में बोट अपस्ट्रीम जा रहा है, यहां पे एबी में जो बोट था वो डाउनस्ट्रीम जा रहा था, अभी अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम में इसका वैल्यू क्या लिखते हो, माइनस कर देते हो, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, टाइम कितना टी माइनस वन। ऑल्सो 6 किलोमीटर जो है वो वीआरटी है, क्यों है, क्योंकि राफ्ट ने ए लोकेशन से शुरू किया और सी तक पहुंचा, कितने टाइम में, टी टाइम में, कितना दूरी है 6 किलोमीटर, राफ्ट की स्पीड कितनी है वीआर, बेटा ये तो पता लग गया ना। अब तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना, सारी इक्वेशन को, तो तुम्हारे पास टाइम जो है वो 2 आवर आ जाएगा और जो रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर बराबर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द एरर ऑफ क्वेश्चन। बाकी एक और मैं नेक्स्ट बताता हूँ, हम लोग उसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, इसको जरूर वीडियो को कॉपी पे देख लेना, पर कॉपी पे लिख के उसके बाद बच्चे एक बार रेफरेंस बुक जरूर पढ़ना, हर आर्टिकल पढ़ने के बाद रेफरेंस बुक का पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक्स कितना समझा आपने टीचर से, तो तभी पता लग पाता है जब आप टीचर के नोट्स से हटके कुछ ट्राई करोगे और अच्छी क्वालिटी वाला कंटेंट ट्राई करोगे एज पर द कंटेंट गिवन बाय द टीचर, इट्स एडवाइजेबल, गो फॉर योर टेक्स्ट बुक आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल। थैंक यू।